इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्म्स में के रिप्रेज़ेंटेटिव सी अर्चर में पेडिसिलरी के रोल को डिस्कस करेंगे अब पेडिसिलरी जो है सी अर्चन के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं यूज़ुअली दे आर हैविंग इधर टू आर थ्री जाज एंड दे आर कनेक्टेड टू द बॉडी वॉल बाय आर रिलेटिवली लॉन्ग स्टाक अब पेडिसलेरी का फंक्शन क्या है बॉडी में या ये क्यों मौजूद है अब क्योंकि ये एनिमल मेरीन है दे आर लिविंग इन सी वाटर तो सी वाटर के अंदर मुख्तु किस्म के डैबरीज भी मौजूद होंगे Obviously जो इनकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं उस वजह से एनिमल दे लुक अगली या इनको किसी भी एनिमल को अपनी सरफेस को बॉडी सरफेस को क्लीन करना होता है तो जो जो इसके अंदर पेडिसलेरी स्ट्रक्चर है दे आर नॉर्मली यूज फॉर द बॉडी ऑफ डैबरीज

फिर हर पेडिसलरी जो है इसके साथ ऑब्वियसली कुछ मसल्स अटैच हैं जो कि इसको फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे और हर पेडिसलरी जो है बेसिकली इट इज़ एन इफेक्टिव ऑर्गन विद इट्स ऑन सेट ऑफ मसल्स न्यूरोफिल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स क्योंकि ये परसीव करेंगे तो ये अपने आप को क्लीन करेंगे और परसेप्शन की बेस पे इनका मोड ऑफ एक्शन होगा इसलिए ये जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ऑफ द इन्वायरमेंट यहाँ से हम सी अर्चन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और इसमें पेडिसलरी के रोल को देख सकते हैं दिस इज़ यूजली द टी एस सेक्शन ऑफ द बॉडी आउटसाइड द बॉडी आप देखें स्पाइंस आर प्रोजेक्टेड और स्पाइंस के साथ ही ये स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको हम कहेंगे पेडिसलेरी दीज आर दाटर वेस्कुलर सिस्टम एम्पूला इसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल नर्वस सिस्टम इसके ये जहाज हैं टीथ हैं माउथ हैं गिल्स हैं सो दिस इज पेडिसलरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दाइंस एंड इट इज इट्स इंपॉर्टेंट रोल इज़ टू क्लीन द बॉडी सर्फेस फ्राम द डेबरिस